लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं गोपी के पास नहीं जाऊंगी। I can't live with him anymore. Don't cry, my baby. मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा होने वाला है। तो फिकर मत कर, मैं तुझे उससे तलाक दिलवा दूंगी, फिर तू दूसरी शादी कर लेना। वाह, क्या माँ है, क्या तालीम दे रही है। बेटी से कहती है मैं तलाक दिलवा दूंगी, दूसरी शादी करवा दूंगी। अरे ऐसा लड़का, ऐसा खानदान पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हारा इंडिया और तुम्हारे इंडियन लोग। I hate them. तो मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये कौन है, तुम सब इंडियन हो, अपने आप को हेट कर रही हो। देख बेटी, ये तेरी माँ का तो दिमाग खराब है। गोभी बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे कहूंगा, वो आएगा तो इससे माफी मांगेगा, तुझको मना के लेके जाएगा। नो डैडी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। देख लिया, मधु मेरी बेटी है, मेरी। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। अब देखना, मैं तल्ला का नोटिस भिजवाऊंगी वकील को बुलवाकर, फिर पता चलेगा उस बच्चे को। हाँ पता तो चलेगा, मगर ये तो बाद में पता चलेगा कि किसको पता चलेगा। गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, आपकी रजिस्ट्री आई है। हमारे लिए रजिस्ट्री आई? आपका इसके नाम छपा हुआ है। ये हमको बोला रजिस्टर कौन भेजेगा? मधु, अरे मधु, अरे मधु रे, अरे ओए, क्या जंगली की तरह चिल्ला रहा है? हाँ बढ़िया, हमको आपसे बात नहीं करनी है, मधु से मिलना है। मधु तुमसे बात नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, वो हमारी पत्नी है। अरे क्या पहन रखा आपने? राम राम। शट अप यू। पत्नी थी, है नहीं। नोटिस मिलने के बाद भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना, नाउ गेट आउट। क्या इंग्लिश स्टाइल में गेट आउट बोल रही है? चाचा जी समझाइए ना इनको आप। वो मैं क्या हंसते हर बात पे, इनको समझाइए ना। आज तक हमारे खानदान में किसी ने कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा। अरे पूरे गांव के अंदर खून खराब हो जाता है तो उसका फैसला हम सरपंच की कुर्सी पर बैठ के करते हैं, और हमारी अपनी पत्नी के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। समझाइए इनको आप। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तो बीच में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? पूछो इनसे, इन्होंने कभी मुझ पे हाथ उठाया? काश एक बार उठा लिया होता। क्या कहा? नहीं मैं कह रहा था कि चिल्लाया मत करो, तबीयत खराब हो जाए। ऐसे दामाद का कहे तो रोज आते हैं आते हैं। ये आते जाते की तरह आते आते क्या बोल रहे हैं आप? अब हमको आपसे बात नहीं करनी। सुनिए, आप हमारे तीन गिनने से पहले हमारी मधु वालों को नीचे बुलाती कि नहीं? क्या करोगे? चार गिन लेंगे। समझाओ इसे। चार गिनने में क्या बुराई है? अच्छा सुनिए सुनिए, देखिए गलती से हमारा हाथ उस पे उठ गया गुस्से में, मगर इसका मतलब ये थोड़ा ही है। कोई कह सकता है पूरे गांव के अंदर कि गोपी अपनी मधुबाला से प्रेम नहीं करता? अरे आप उसको नीचे बुलाइए, हम उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। ए मधुबाला, स्टॉप हिम। अरे मधुबाला, ए मधुबाला, अरे कहाँ हो भाई? देखो मधु, हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं, हम कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। चलो गोपी, अब कुछ नहीं हो सकता, मधु को तलाक चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी से तलाक नहीं लिया। हमारी माँ तो खबर सुनते ही मर जाएगी, नाक कट जाएगी पूरे गांव में। हमारे सरपंच हम गांव के, हमारी इतनी सी गलती की हमको इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप कहती हैं तो हम आपके पांव छूकर माफी मांग लेते हैं। स्टॉप इट, ये क्या तमाशा है? कितने बेशर्म हो, इतना धुतकारने के बाद भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हो। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने हर तरह से माफी मांगने की कोशिश की, हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, गिर गिराकर, मिन्नतें करकर, मगर हमको अपना और तमाशा नहीं देखना है। अब हमको कुछ नहीं देखना, अब तो हमको बस आप लोगों को दिखाना है। जिस तरह से आज हमने इस घर में गिड़गिड़ाकर माफी मांगी है ना, अगर हमने उसी तरह से मधु से माफी न मंगवाई तो हमारा नाम भी बनारसी बाबू नहीं। ये अपने आप को समझता क्या है? अकड़ू। गलती तो तेरी भी है गोपी, तुझे बहू पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने तुम्हारा अपमान किया, पूरे खानदान की नाक काट दी, और तुम होके उसी की तरफदारी किए जा रहे हो। अरे संस्कार नाम की चीज नहीं है उसमें। माँ की कोख से संस्कार सीखकर कोई नहीं आता इस दुनिया में। तुझे बचपन से सिखाया है तभी तुझमें संस्कार आए हैं, और फिर बहू को थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। और अभी ये कोर्ट का नोटिस भेजा उसका क्या, हम भी अपनी माँ के पास रह लेंगे। तेरी आंखें कुछ और बोल रही है और तू कुछ और बोल रहा है। मैं जानती हूँ तू मधु से बहुत प्यार करता है। प्यार तो हम बाबूजी से भी बहुत करते थे माँ, नहीं रहे ना वो इस दुनिया में, जी रहे ना हम उनके बगैर, यही सोच लेंगे कि मधु भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं बोलते। मधु अब सिर्फ उनकी बेटी नहीं, मेरी भी बहू है, हमारे खानदान की इज्जत है। गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, गोपी भैया, वो लिली चाची है ना, भाभी को लेकर कोल्हापुर जा रही है। क्या? कोल्हापुर नहीं, सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगापुर। जल्दी चलो ना, ये क्या कछुए की चाल चल रहे हो। जब उम्र बढ़ जाए तो रफ्तार कम रखनी चाहिए, तेज चलोगी तो मुंह के बल गिर जाओगी। यहाँ पर भी ताने देने से बाज नहीं आओगे तुम। अभी क्या करूँ, तलाक तो दे नहीं सकता, तो ताने दे के काम चला लेता हूँ। I'm tired of you. घर चलो, बताती हूँ। मुझे मालूम है। Oh my God, it's so embarrassing. Oh my God, what did you do? What did you do? Hey, baby. कहाँ कहाँ ससुरा, कहाँ भागे भागे जा रहे थे, दुनिया बहुत छोटी है। आप हाथ क्या खड़े हैं, चलो वरना ये हमारी बेइज्जती कर देगा। मंचला पापी, पापी मंचला फालो दे। पापी अबे क्या कर रहा है, गिरा देगा क्या, अबे क्या कर रहा है, पता लगता मुझे, पता है चाचू ने बेगम बच गए, बच गए, बच गए। उठा बे, ये देखो, ये लो पता। ये पता है, है? बच गया क्यों बोला मैं मनुष्य? तो क्या बोलता? बोलता मर गए, लूट गए, बर्बाद हो गए, कम से कम पता तो मिल जाता। आप कहाँ जाएंगे? गाना तो तुम गा ही लेते हो, पेटी मैं बजा लूंगा। भीख मंगवाओगे, बनारस की नाक कटवाओगे परदेश में आए? अरे यहाँ किसको मालूम कि तुम बनारस के बड़े आदमी हो। काहे तुमको नहीं मालूम? मैं किसी को बताऊंगा क्या? अरे तुम्हारा क्या भरोसा, बनारस में जाके पलट गए तो? नहीं नहीं, यह पता मिलकर भी नहीं मिला, और वो ससुरी तो पहुंच गई अपने घर में। चल चलो, मैं तुमसे पूछती हूँ, वो जंगली बदतमीज हिंदुस्तान छोड़कर सिंगापुर कैसे पहुंचा? अरे यार, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो, जिससे सवाल करना चाहिए उससे तो करती नहीं हो। मैं क्या जेब में बिठा के लाया उसको? ठीक है ठीक है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, कहीं वो यहाँ मेरा तमाशा ना बना दे। डोंट वरी माय स्वीट हार्ट, ये इंडिया नहीं सिंगापुर है। एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपनी मंथु बेटी की शादी हो चुकी है। अगर कहीं वो जंगली गांव नजर आए ना, तो उससे पहचानने से भी इनकार कर देना, समझे? मैं आपकी हर बात समझता हूँ, सिर्फ एक ही चीज आज तक नहीं समझा, वो आप हैं। Shut up! वो तो होता है हमेशा एंड में। यार वो दामाद जी को पता मिला होगा कि नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा तो कहाँ भटक रहा होगा यार। मम्मी मम्मी, What happened my child? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ? वो है ना वो कौन? गोपी। What? मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया, बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो फिर? अरे एक गुंडा तुम्हारी बेटी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया, और तुम पूछते हो क्यों चिल्लाती हो? कौन गुंडा? गोपी। वो गुंडा थोड़ी है, वो तो इस घर का दामाद है, उसको बुलाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता। खबरदार जो उसे दामाद कहा तो, उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम कैसे बाप हो? चलो तुमने जिंदगी में पहली बार माना तो सही कि मैं इसका बाप हूँ। खैर तुमने अभी तक मुझे सिर्फ बोलते हुए देखा, अब देखो मैं क्या कर। क्यों सासु, हमको छोड़ के आ गई थी। ओह माय गॉड, देखो कैसे तुम्हारा घर ढूंढ लिया। हाँ। हम लोग को बनारस के कल्लू समझ के रखा हुआ है। ये यहाँ तक आता है, अरे कुछ करिए, जाइए ना। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई क्या लगा रखा तुम लोगों ने, चलो उठो निकलो। आपकी बेरुखी अच्छी नहीं है ससुर जी। हाँ? अरे का अपने साथ हमको भी पिटवाओगे, नाटक समझा तो करो, निकलो। मेरा कान कान, एक मिनट बहुत भूख लगी है। पहले तुम फेंको। अरे फेंक ना यार, उधर फेंक ले, ये लो सिंगापुर का संतरे, आया आया। बाबूजी आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, ऐसा लगता है मेरे घर की कहानी फिर से शुरू हो गई है। डरता हूँ कहीं तेरी हालत मेरी जैसी ना हो जाए। आप इनकी बिल्कुल चिंता मत करें, गांव के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी भैंसों को भी ठीक किया है। बाबू जी हमको लगता है कि हमारे घर की प्रॉब्लम मधु की कम है और हमारी सासू जी की ज्यादा है। वही तो है। आप हमको ये बताइए कि हमारी सासू जी हमको अकेले कब और कहाँ मिलेगी? फिर देखना, भगवान उनका भला करेगा, लेकिन मुश्किल लगता है। सुन
उसके बैग में डाल दिया। यहाँ से तो निकल गई, लेकिन वहां से कैसे निकलेगी? Excuse me, madam. Please show your purse. Hey, what's this? ये मेरे बैग में कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। I swear मैंने नहीं रखा इसे। Hey, call the police. But listen to me, it's not my fault. Please. Sorry, ma'am. Excuse me, sir. Can I make a call? Yes, ma'am. Thank you. फोन आया नहीं अब तक, कहीं पुलिस ने छोड़ तो नहीं दिया उसको? हेलो, चौबे स्पीकिंग। हेलो, मैं लीली बोल रही हूँ, पुलिस स्टेशन से। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं लीली बोल रही हूँ। हेलो, पुलिस वाला ने मुझे पकड़ लिया है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बहरे हो गए हो? तुम्हारा देखिए मैं आज तुम्हें नहीं आओ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ, 2000 लेके पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए। चुमाल सिंह आवाज बाजी। 2000 लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए, वरना सारी रात मुझे जेल में काटनी पड़ेगी। अरे नहीं, कौन गधा बोल रहा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो, ओके, वेयर इज द सेल? ओ महाराज, आप कहाँ हैं, क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि हम उस सासू जी के साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। उसने एक बिफरी हुई शेरनी की तरह मेरी जिंदगी को फाड़ के रख दिया है। तुमने एक बेबस परिंदे की तरह उसको अंदर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। She deserves that. चाचा जी एक बात कहूँ? क्या? इन्होंने आपकी बीवी को तो अंदर करा दिया है, अब आप इनको अपनी बीवी से तो मिलने दो। मैंने मना किया है क्या? चाचा जी आपकी आज्ञा हो तो मैं मधु से जरा बात कर लूँ। हाँ जाओ, शेर की तरह जाना, गीदड़ की तरह नहीं। मेरा दोस्त कितना शरीफ है, इसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आपसे आज्ञा ली। अगर मैं आपका दामाद होता ना तो क्या करता? मैं भी आपकी आज्ञा लेता। डर 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 डर। गोपी, तुम्हारी ये जबरदस्ती मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी तो ऐसे बोल रही जैसे बहुत ज्यादा अच्छी। शट अप, तुम्हारे ये गवारपन मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इंडिया छोड़कर सिंगापुर आई। हमको गवार मत बोलना। अरे अब तुम्हारे प्यार के खातिर देखना हम कैसे मॉडर्न हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी मम्मी के साथ बैठकर कोनियाक पिएंगे, पफ मारेंगे, पट्टे खेलेंगे, तुमको डिस्को में ले जाएंगे, जींस की पैंट पहन लेंगे टाइट और उसको यहाँ से फाड़ डालेंगे और उसके अंदर लिख देंगे टेक इट इजी और कान के अंदर बाली पहन लेंगे और चूहा कट बाल काट कर पूरे शहर में घूमेंगे, तुम भी कहोगे का चूहा पाई हो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे वही ले जा रहे हैं जहाँ से आए हैं भाई, और वही करेंगे जो एक पति को पत्नी के साथ करना चाहिए। तुम भी ऐसे ही खामखा।